हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी दोस्तों, मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स न्यू रॉयल इनफील्ड हंटर 350 वर्सेस रॉयल इनफील्ड मिटियोर 350 के बारे में। दोस्तों आज हम दोनों इस दोनों ही बाइकों के बारे में फुल कंपैरिजन करने वाले हैं, कौन सी बाइक आप लोगों को लेनी चाहिए, कौन सी बाइक आप लोगों को नहीं लेनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों जितने भी इनके स्पेसिफिकेशन होते हैं, डिफरेंसेस हैं, सभी आप लोगों के साथ आज इस वाली वीडियो में मैं शेयर करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखेगा प्लीज़ पूरी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, एंड तक बस आप लोगों को वीडियो देखनी है। जितने भी आपके मन में डाउट हैं दोनों ही वेरियंट्स को लेकर सभी क्लियर आज हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो शुरू। फटाफट से वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, जो कि है इस वाली वीडियो को एक लाइक करना, एंड चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स आप लोगों को इस चैनल पे ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट फटाफट से। सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, दोनों ही काफ़ी बेहतरीन बाइक्स हैं। रॉयल इनफील्ड ने सेम इंजन एंड सेम प्लेटफॉर्म पर दोनों ही बाइक्स को बनाया है, ठीक है। दोनों ही वेरिएंट्स में आप लोगों को तीन तीन वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों हंटर में आप लोगों को रेट्रो फैक्ट्री, मेट्रो डैपर एंड मेट्रो रेबल तीन वेरिएंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एंड वही दूसरी तरफ मिटियोर में आप लोगों को भी तीन वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जिसमें फ्रेंड्स आप लोगों का फायरबॉल, स्टेलर एंड सुपरनोवा। तो ये इसमें भी आप लोगों को तीन वेरिएंट ही देखने को मिलेंगे। तीनों ही वेरिएंट्स में दोस्तों काफ़ी डिफरेंसेस मिलता है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितना आप लोगों को इमेजेस में ही फ़र्क दिख रहा होगा। तो तीनों ही वेरिएंट्स में आप लोगों को काफ़ी फ़र्क जो है मिलता है दोस्तों। अब बात करते हैं गाइस इनके कलर ऑप्शन की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है भाई इसमें कितने कलर हैं, इसमें कितने कलर नहीं है। दोस्तों हंटर 350 में आप लोगों को 8 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी बढ़िया बढ़िया एंड सही सही कलर ऑप्शन आप लोगों को मिल जाते हैं, आप जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ मिटियोर में भी फ्रेंड्स आप लोगों को काफ़ी सारे कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मिटियोर में आप लोगों को टोटल 10 कलर ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। सो इसमें भी आप लोगों को काफ़ी बढ़िया कलर देखने को दोस्तों मिल रहे हैं, एंड इसका दोस्तों हर कलर हर मॉडल अपनी अलग ही लुक दे रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं इस दोनों ही बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में दोस्तों। शुरुआत मैं टायर से सबसे पहले करूँगा दोस्तों। हंटर 350 में आप लोगों को जो टायर मिलेंगे वो आप लोगों को दोस्तों 17 इंचेस के टायर मिलेंगे फ्रंट बैक दोनों ही, एंड इसमें फ्रेंड्स आप लोगों को ट्यूबलेस टायर भी मिलेंगे, ट्यूब टायर भी आप लोगों को मिलेंगे हंटर में, एंड इसमें आप लोगों को स्पोक रिम्स भी मिलेंगे एंड अलॉय व्हील्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दोस्तों हंटर 350 में जो टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो फ्रंट टायर आप लोगों को 180/17 का मिलेगा, एंड रियर टायर इसमें आप लोगों को 120/80/17 का मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ मिटियोर में फ्रेंड्स आप लोगों को तीनों ही वेरियंट्स में इसके ट्यूबलेस टायर प्लस अलॉय व्हील देखने को आप लोगों को मिलेंगे, एंड फ्रेंड्स मिटियोर में आप लोगों को किसी भी वेरिएंट में आप लोगों को ट्यूब टायर या स्पोक रिम्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तीन वेरिएंट आएंगे, तीनों में ही आप लोगों को अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो दोस्तों मिटियोर में आप लोगों को फ्रंट टायर 190/19 का मिलेगा, एंड रियर टायर 140/70/17 का मिलेगा। सो मिटियोर में आप लोगों को काफ़ी वाइड एंड बड़े टायर देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू हंटर 350। अब बात करते हैं गाइस इनके ब्रेकिंग के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बाइक के अंदर। ब्रेकिंग देखना बहुत जरूरी होता है कोई भी बाइक लेने से पहले दोस्तों। हंटर में आप लोगों को सिंगल डिस्क, ड्यूअल डिस्क दोनों ही आप लोगों को ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि सिंगल डिस्क के साथ आप लोगों को सिंगल चैनल ABS आप लोगों को मिलेगा, एंड ड्यूअल डिस्क के साथ आप लोगों को ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। दोनों ही बाइकों में सेम ब्रेकिंग यूज़ की गई है दोस्तों, बाइब्री की ब्रेकिंग जो आप लोगों को मिलेंगी। सो बाइब्री की ब्रेकिंग एक ब्रांडेड ब्रेक्स होती है, काफ़ी बढ़िया ब्रेक रॉयल इनफील्ड इनके अंदर प्रोवाइड हमें की है। मिटियोर के अंदर भी फ्रेंड्स आप लोगों को ब्रांडेड ब्रेक्स मिलेंगी बाइब्री की, एंड इसकी ब्रेकिंग फ्रेंड्स आप लोगों को सिंगल ही देखने को मिलेगी, जो कि आप लोगों को ड्यूअल डिस्क ड्यूअल चैनल ABS आप लोगों को मिलने वाली है। मिटियोर में आप लोगों को सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिलेगा दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्यूअल डिस्क ड्यूअल चैनल ABS ही आएगा। हंटर में आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा, जो सिंगल डिस्क होगा वो सस्ता होगा एंड जो ड्यूअल डिस्क होगा वो महंगा आप लोगों को मिलेगा, लेकिन मिटियोर में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इनके ओवरऑल बॉडी के बारे में। दोनों ही बाइक्स में आप लोगों को काफ़ी सारा फाइबर पार्ट्स का यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, एंड क्वालिटी दोनों की सुपीरियर है, ये नहीं कह सकते दोस्तों एक ही घटिया क्वालिटी यूज़ की गई है, दोनों की काफ़ी बढ़िया क्वालिटी ये है। रॉयल इनफील्ड ने प्लास्टिक यूज़ है, लेकिन वो सस्ते माड़ा प्लास्टिक नहीं है दोस्तों, अच्छी खासी क्वालिटी वाला प्लास्टिक इसके अंदर आप लोगों को मिलता है। दोनों ही मॉडल्स में आप लोगों को फ्रंट बैक दोनों ही मडगार्ड आप लोगों को फाइबर में देखने को मिलेंगे, साइड बॉक्सेस आप लोगों को फाइबर में देखने को इसके मिलेंगे, जो टैंक होगा उसको छोड़ के बाकी सभी चीज़ें ऑलमोस्ट इसके आप लोगों को फाइबर या प्लास्टिक में देखने को मिलेगी इन दोनों ही वेरियंट्स में। अब बात करते हैं दोस्तों सस्पेंशन की, तो दोनों में ही आप लोगों को बिल्कुल सेम सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। दोनों ही मॉडल्स में आप लोगों को फ्रंट में टेलीस्कोपिक एंड रियर में 6-वेज हाइड्रोलिक सस्पेंशन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, जो कि एक ठीक ठाक सस्पेंशन आप लोगों को मिलता है, कोई बहुत बढ़िया सस्पेंशन नहीं है, कोई बहुत बेकार सस्पेंशन भी नहीं है दोस्तों। दोनों ही वेरिएंट्स में आप लोगों को जो हेडलाइट होती है वो आप लोगों को
ओवल शेप की मिलेगी, इंडिकेटर्स, टेल लाइट सभी में आप लोगों को जो है ओवल शेप यूज दिख जाएगा दोस्तों आप लोगों को। बात करते हैं कि हेडलाइट के बारे में दोस्तों, आप लोगों को हंटर में सिर्फ और सिर्फ एक हैलोजन बल्ब का सेटअप आप लोगों को मिलेगा, इंडिकेटर्स, टेल लाइट, हेडलाइट सभी में आप लोगों को हैलोजन सेटअप आप लोगों को मिलेगा, बल्ब वाला सेटअप। लेकिन वहीं दोस्तों मिटियोर के अंदर आप लोगों को थोड़ी सी एडवांस लाइट मिलेगी, इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को एक ऑलमोस्ट फुल DRL देखने को मिलेगा हेडलाइट के अंदर, एंड आप लोगों को एक बल्ब वाली हेडलाइट मिलेगी, एंड इंडिकेटर्स भी आप लोगों को इसके अंदर बल्ब वाले ही देखने को दोस्तों मिलने वाले हैं। टेल लाइट आप लोगों को दोस्तों मिटियोर की LED देखने को मिलेगी, एंड उसके अंदर भी आप लोगों को एक DRL है दोस्तों वो भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मिटियोर की लाइटिंग है वो ज़्यादा एडवांस आप लोगों को जो है मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। दोस्तों दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यूज़ किया गया है, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम फीचर आप लोगों को दिखाता है। जैसे कि दोस्तों दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर आप लोगों को ट्रिपल नेविगेशन भी मिलता है, एंड इसके फीचर्स की बात करें तो आप लोगों को डिजिटली फ्यूल गेज, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ, कितने किलोमीटर चल चुकी है, टाइम शो करेगा, गियर इसके अंदर आप लोगों को शो करेगा, ये सभी फीचर्स जो है कि नेसेसरी होते हैं एक बाइक के अंदर वो सभी आप लोगों के अंदर मिल जाते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इनके फ्यूल टैंक के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों हंटर 350 में आप लोगों को 13 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, एंड इसका टैंक आप लोग देख सकते हैं। वहीं बात करें दोस्तों मिटियोर 350 के बारे में, जिसका टैंक काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लगता है देखने में, उसमें दोस्तों आप लोगों को 15 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जो कि काफ़ी बड़ा भी है दोस्तों देखने में। अब बात करते हैं दोस्तों इनके इंजन के ऊपर, जो कि जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बोला था बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म की बाइक है। दोस्तों बिल्कुल सेम इंजन है दोनों ही वेरियंट्स के अंदर। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, दोनों ही वेरिएंट्स में आप लोगों को सबसे पहली बात तो ब्लैक कलर का इंजन देखने को आप लोगों को मिलता है, जिसमें दोस्तों आप लोगों की जो साउंड है अच्छी खासी निकलती है, एक जे सीरीज वाले विदाउट किक इंजन है ये। एंड इंजन स्पेसिफिकेशन की बात मैं आप लोगों से करूं तो दोस्तों ये आप लोगों को 349 cc का इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 20.2 BHP की पावर विद 27 Nm ऑफ टॉर्क, एंड ये 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स आप लोगों को मिलेगा, एयर कूल्ड इंजन ही आप लोगों को दोस्तों मिलने वाला है। इंजन दोस्तों काफ़ी बढ़िया है, ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए इस इंजन को आए हुए मार्केट में। रॉयल इनफील्ड ने सबसे पहले मिटियोर में ही इस इंजन को इंट्रोड्यूस किया था, तो काफ़ी बढ़िया इंजन है दोस्तों। कभी भी अभी तक इसके बारे में कुछ कमी सुनने को हमें नहीं मिली है कि कहीं बंद हो गया हो या कोई दिक्कत आई हो। इंजन अच्छा है, रिलायबल इंजन है, एंड रिफाइंड इंजन है, काफ़ी स्मूथ गियर इसके अंदर आप लोगों को मिलते हैं, एंड आवाज़ भी एक अच्छी खासी निकाल के आप लोगों को ये फ्रेंड्स प्रोवाइड कर देता है। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी सीट्स के बारे में, तो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को काफ़ी कंफर्टेबल सीट मिलती हैं। लेकिन दोस्तों मिटियोर में आप लोगों को स्प्लिट सीट देखने को मिलती है, वहीं बात करें हंटर के बारे में तो उसमें आप लोगों को सिंगल सीट ही देखने को सिर्फ मिलती है, उसमें आप लोगों को स्प्लिट सीट नहीं मिलती है। बाकी मिटियोर के अंदर फ्रेंड्स आप लोगों को जो उसके स्टेलर एंड सुपरनोवा दो वेरिएंट है उनके अंदर आप लोगों को बैकरेस्ट, एंड आप लोगों को जो सुपरनोवा है उसके अंदर आप लोगों को विंडशील्ड भी देखने को मिलती है, जो कि इसका टॉप वेरिएंट है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आप लोगों को हंटर में देखने को नहीं मिलेगी, चाहे इसका टॉप वेरिएंट हो चाहे कोई सा भी वेरिएंट हो। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों की स्क्रीन पर भी लिखी आ रही होंगी। दोस्तों इन दोनों ही वेरिएंट्स में वेट का जो है काफ़ी ज़्यादा एक आप लोगों को डिफरेंस जो है देखने को मिलता है। जैसे कि हंटर 350 बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, वो सिर्फ और सिर्फ 177 kg की दोस्तों निकाली गई है, एंड मिटियोर 350 के वेट की बात करें तो ये आप लोगों को 191 kg की मिलती है, जो कि काफ़ी एक डिफरेंस आप लोगों को मिलता है दोस्तों इनके वेट में। ऑलमोस्ट 14-15 किलो का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा इन दोनों ही बाइक्स के वेट में। बाकी लेंथ, हाइट एंड विड्थ आप लोगों की स्क्रीन पे लिखी आ रही होगी दोस्तों, सभी चीज़ों में मिटियोर जो है वो ज़्यादा लंबी है, ज़्यादा चौड़ाई है, एंड ज़्यादा हाइट है मिटियोर की। उसके कंपैरिजन में दोस्तों जो हंटर 350 है वो आप लोगों को एक कॉम्पैक्ट साइज की मोटरसाइकिल देखने को दोस्तों मिल जाती है। बाकी ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो हंटर 350 में आप लोगों को 150 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है, वहीं मिटियोर में आप लोगों को 170 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है। सीट हाइट की बात करें तो आप लोगों को हंटर 350 में 800 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है, वहीं मिटियोर में आप लोगों को 765 mm की सीट हाइट आप लोगों को देखने को मिलती है। दोनों ही बाइकें काफ़ी अच्छी हैं दोस्तों शॉर्ट हाइट के लिए, दोनों ही बाइकें हैं जिसकी हाइट थोड़ी सी कम है उनके लिए है दोस्तों, दोनों ही बाइक्स दोनों ही ईजिली चला सकते हैं। एंड ये बात मैं आप लोगों से दोस्तों लास्ट में करूँगा कंक्लूजन में। अब बात करते हैं इनकी प्राइसिंग के बारे में। दोस्तों हंटर 350 का जो बेस वेरिएंट है, जो जिसका एक्सशोरूम प्राइस शुरू होता है दोस्तों, वो होता है 1,49,900 rupees से। वहीं बात करें मिटियोर 350 का जो बेस वेरिएंट है आप लोगों को जो मिलता है फायरबॉल, उसके स्टार्टिंग वेरिएंट की बात करें तो वो शुरू होता है दोस्तों 201,250 rupees से। दोस्तों दोनों ही वेरिएंट के जो एक्शोरूम प्राइजेस है उसमें आप लोगों को 51,000 rupees का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, 51,000 rupees का डिफरेंस है दोनों के एक्शोरूम में बेस वेरिएंट के। मिड वेरिएंट के बारे में बात करते हैं तो हंटर का मिड वेरिएंट शुरू होता है 1,63,900 rupees से, मिटियोर का मिड वेरिएंट शुरू होता है 2,07,333 rupees से, 2,07,333 rupees। वही बात करते हैं दोस्तों दोनों ही वेरिएंट्स के टॉप वेरिएंट के बारे में,
दोस्तों हंटर का जो टॉप वेरिएंट है उसका एक्सशोरूम प्राइस है 1,68,900 रुपीज एंड मिटियोर का जो टॉप वेरिएंट है उसका प्राइस है दोस्तों 2,17,470 रुपीज। दोस्तों दोनों के वेरिएंट में ऑलमोस्ट आप लोगों को 48,000 से लेके आप लोगों को 52,000 या 51,000 का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है इन दोनों वेरिएंट्स में। सो बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिफरेंस जो है मिल रहा है दोस्तों आप लोगों को इनकी प्राइसिंग में। अब आते हैं लास्ट पॉइंट अपना जो कि है दोस्तों इनका कंक्लूजन कि अब आप लोगों को लेनी कौन सी चाहिए। ये तो सारी स्पेसिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताई जो कि एक नेसेसरी होती है बाइक लेने से पहले। अब आते हैं कंक्लूजन पे कि आप लोग लेनी कौन सी चाहिए। देखिए दोस्तों अगर आप लोग एक नई बाइक लेना चाह रहे हैं अभी अभी जो मार्केट में लेटेस्ट आई हो जिसका बजट कम हो एक राइड क्वालिटी अच्छी हो पावर चाहिए बाइक के अंदर एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को चाहिए कि भाई मेरे को ज़्यादा महंगा मेरा बजट नहीं है मेरे को एक रीजनेबल प्राइस पे बाइक चाहिए तो दोस्तों आप लोगों को मेरे हिसाब से जाना चाहिए हंटर 350 की तरफ। वहीं दोस्तों आप अगर आप लोगों को लॉन्ग टूर करना है आप लोगों ने 150-200 तक का किलोमीटर का आप लोगों ने डिस्टेंस कवर करना है आपने ट्रैवल करना है इसी के साथ साथ आप लोगों को बाइक में कंफर्ट चाहिए एंड आपको चाहिए कि मेरी बाइक थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम लगे देखने में, ठीक है दोस्तों मिटियोर 350 प्रीमियम बाइक लगती है देखने में तो अगर आपको प्रीमियम बाइक चाहिए साथ साथ कंफर्ट जैसे कि मैंने बताया एंड पावर दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को मिलती हैं एंड दोस्तों आपको अगर चाहिए कि पिलियन राइडर आपके साथ कोई जा रहा है ट्रेवल पे तो आप लोगों को उसका भी ध्यान रखना है उसको पीछे बैकरेस्ट हो अच्छा खासा आप लोगों को कंफर्ट मिले बाइक के अंदर। आपको उससे ज़्यादा एक लंबी चौड़ी बाइक चाहिए, ठीक है मस्कुलर दिखने वाली बाइक चाहिए आपका जो शरीर है आपकी जो बिल्ट है वो थोड़ी सी हैवी है आपकी हाइट 6 फीट से ऊपर है या आपकी हाइट थोड़ी सी कम भी है इसमें भी चल जाएगा लेकिन आपकी हाइट अगर 6 फीट 2 इंचेस है तो आप मिटियोर की तरफ इजीली जा सकते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपके लिए बजट मैटर नहीं करता तो आप लोगों को जाना चाहिए मिटियोर की तरफ अगर आपको एक प्रीमियम बाइक चाहिए। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था, मैंने आप लोगों को बताया दोनों बाइक्स का डिफरेंस एंड आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों को मिटियोर लेनी चाहिए या अब आप लोगों को हंटर लेनी चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक प्लीज जरूर कीजिएगा, चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।